हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गिरधारा डेयरी फार्म सूरत से। दोस्तों अभी आया है हमारा चारा का टेम्पो, जो कि ये बुलेट घास है। ये हमारा खुद का खेत का चारा है, जो कि ये बुलेट घास है, एकदम हरा घास, जो कि हम लोग इसको पेशी को खिलाते हैं मिक्स कटिंग करके। हरा और सूखा दोनों मिक्स कटिंग करके खिलाते हम लोग। दोस्तों इस तरह से हम लोग कटिंग करते हैं चारा का। हमारे पास ये ट्रैक्टर वाली मशीन है, जो वो ट्रैक्टर से चलती है, जिसमें 10 आदमी की ज़रूरत पड़ती है चारा थमाने के लिए, क्योंकि ये मशीन बहुत ही स्पीड से चलती है, इसलिए 10 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। और ये दोस्तों टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाती है, आधा घंटे में 400 पीस का चारा काट देती है मशीन, क्योंकि बहुत ही फायदा है बड़े तबेले वालों को। फटाफट चारा भी कट जाएगा और जल्दी काम भी पड़ जाएगा, और चारा भी बहुत ही अच्छा कटिंग होता है, छोटा छोटा कटिंग होता है, तो किसी को खाने में तकलीफ भी नहीं होगी और बहुत ही फायदा होगा। धीरे धीरे सब आदमी हमारे चारा हमारे बुलेट घास और मिक्स बांडी, क्योंकि सूखा सारा मिक्स काटते हम लोग मिक्स में दोनों। ये हमारा गिरधारा डेयरी फार्म है दोस्तों। जो कि ये मशीन में थक्का नहीं लगती और ये काम फटाफट करती है मशीन, भले 10 आदमी का काम हो, 400 पीस का एक कुटी काट देती है मशीन आधा घंटे में। और ये हमारा ड्राइवर साहब है, जो कि एक आदमी चाहिए गियर बदलने में आगे पीछे। और ये हमारा ट्रैक्टर वाला मशीन है, जो कि इस तरह से चलता है दोस्तों। में मोटर का भी सिस्टम आता है, पर हम लोगों ने अभी ये फिट नहीं किया। इन ट्रैक्टर से अभी अच्छा फायदा होता है, हमारे पास खुद के 3-4 ट्रैक्टर है, तो बारी बारी हम लोग ट्रैक्टर से काटते हैं, इसलिए हम लोगों ने मोटर नहीं लगवाया, मोटर से भी चलता है ये मशीन। अभी शाम के बजे 5। ये हमारा गिरधारा डेयरी फार्म दोस्तों, देखिए अभी शाम के 5 बजे का नज़ारा। एक तरफ कुटी चालू है, और ये हमारा चारा पूरा कट गया है 400 पीसी के लिए, पूरा टोली फुल कर दिया है। अभी इसको हम लोग ले जाएंगे अलग अलग शेड में चारा डालने के लिए। ट्रैक्टर जाएगा हमारा शेड के ऊपर, क्योंकि हमारा कुल 3 शेड है, इसमें बारी बारी ये ट्रैक्टर चलेगा और चारा गिराएगा। फिर मशीन को लगाते थे अपने गोडाउन में, अपनी जगह पर। और अभी हमारे ट्रैक्टर जाने वाला है शेड नंबर 1 के ऊपर, तो चारा का ट्रैक्टर फुल भर गया है। और इस तरह से हम लोग शेड नंबर 1 पे ये ट्रैक्टर को चलाते हैं, और इसके बाद हम लोग चारा गिराते हैं धीरे धीरे। ये हमारा शेड नंबर 1 है, जिस पे अभी हम लोग चारा गिराने वाले हैं। और इस तरह से हम लोग चारा गिराते हैं अपनी भैंसी को, जो कि 2 आदमी ऊपर एक के चारा गिराते हैं और 2 आदमी नीचे रहते हैं, जो पेट के ऊपर पड़ा रहता है चारा उसको मोटर के डालते हैं गमान में। सभी भैंसी आराम से खा रही है हमारा चारा, ये हरा चारा, क्योंकि ये बुलेट घास है, बहुत ही फायदा करता है भैंसी को, दूध ज़्यादा होता है हरा चारा से। हमारे पास सभी भैंसी है, मेसाणी है, जाफराबादी भैंसी है, बनासकांठा की है, कच्छ की भैंसी है, हमारे पास अलग अलग सभी भैंसी हमारे पास है, क्योंकि टोटल हमारे पास 400 भैंसी है। और अभी हमारा यह ट्रैक्टर जा रहा है दूसरे नंबर सेट के ऊपर चारा गिराने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा कंपाउंड है हमारा गिरधारा डेयरी फार्म का। अभी दूसरे अलग अलग आदमी इसके ऊपर चल रहे हैं,
सबका अलग अलग सेट होता है, सब अपना अपना सेट संभालते हैं अलग अलग आदमी। वो भी तो नहीं आ गए। और ये चला हमारा ट्रैक्टर सेट नंबर 2 पे। और दोस्तों हम लोग इसमें भी इस तरह से चारा गिराते हैं, जहाँ जो के पहले सेट में गिराया था चारा, इस तरह से इसमें भी 4 आदमी की ज़रूरत पड़ती है चारा गिराने के लिए, जो कि बहुत ही आराम है इसमें चारा गिराने में, सर पे ना उठाना पड़े टोपला वजन वाला, इसलिए हम लोगों ने ट्रैक्टर मशीन लाई है कि सबको फ़ायदा हो, फटाफट काम हो जाए हमारा। दोस्तों इसमें जाफराबादी भैंसी है और कस की भैंसी इसमें है, ये सेट पे हमारे सब अलग अलग सेट पे अलग अलग भैंसी है हमारे। देखिए दोस्तों ये जाफराबादी भैंसी, जाफरी भैंस जो कि बोलते हैं, जो कि ये पोरबंदर की जामनगर के साइड की ये भैंसी है, जो कि हम लोग वहाँ से खरीद के लाए थे, और बहुत ही महंगी भैंसी है ये, 1-1 लाख ऊपर की भैंसी है सभी, और दूध में भी बहुत अच्छी भैंसी है ये। अभी हमारा सेट नंबर 2 पे भी हम लोगों ने चारा डाल दिया है। और दोस्तों इस तरह से हम लोग चारा डालते हैं अपनी भैंसी को। दोस्तों हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही हम लोग आगे वीडियो में मिलते रहेंगे।